Ladies and gentlemen, the key question in anybody's life is, what is their purpose of life? Is ye itna fundamental or important question hai that everybody needs to think about it. Aur aaj ka jo mera topic hai, that is purpose statement. Mere paas bahut sari queries aati hain, bahut sare students aate hain jinko hum guide karte hain ki purpose statement jo hai usko kyun important hai for admission. आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, आपको एक पर्पस स्टेटमेंट जो है वो लिखनी पड़ती है कि जी आप क्यों जाना चाह रहे हैं फॉर एडमिशन. एंड पर्पस स्टेटमेंट से ही आपके इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपसे इंटरव्यू किया जाता है बाय द एम्बेसी, वही आपकी पर्पस स्टेटमेंट से क्वेश्चंस भी, उसी के आंसर्स भी निकलते हैं. तो आपका जो पर्पस है, पहली बात तो ये कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, एंड देन आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर स्टूडेंट वीज़ा क्या है. आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पर्पस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड की डॉक्यूमेंट इन एनी एडमिशन. आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देनी होती है. आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. देखें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है, एक तो ये कि इंटरनेट से कॉपी पेस्ट नहीं करना. आपने प्लेजरिज्म जो है, वीज़ा ऑफिसर एंड यूनिवर्सिटी हेट इट. आप प्लेजरिज्म ना करें. आप ये ना हो कि आपने किसी की पर्पस स्टेटमेंट इंटरनेट से उठाई, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने वही छाप दी कि मेरा पर्पस भी यही है. नहीं, आपको पर्पस स्टेटमेंट लिखने के लिए अपनी ज़िंदगी को देखना पड़ेगा. इट इज़ टाइम टू रिफ्लेक्ट बैक कि जी अच्छा जी, पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरी है, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ. पहला जो आपके पर्पस स्टेटमेंट जो है, इसके कुछ पोर्शंस आप बना सकते हैं. उन पोर्शंस को जो है वो आपने एड्रेस करना होता है. लाइक जो पहला आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का जो पहला पैराग्राफ होता है, उसमें आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि आप ज़िंदगी में यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, आपका गोल क्या है ज़िंदगी के अंदर, आप करना क्या चाह रहे हैं. What is your aim in life? What is your goal in life? शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है. सेकंड जो है वो आपका करियर प्रोग्रेशन आप अपनी बता सकते हैं कि जी मैंने प्रोग्रेस करके यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ. ठीक है, आपने जो आप अपने जो मैक्सिमम जो मार्क्स आपने किए, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, आपके फादर क्या करते थे, आपकी मदर क्या करती थी, इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है, आर दे योर इंस्पिरेशन, क्या बैकग्राउंड भी ऐसा ही है कि वो भी बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, उन्होंने भी बाहर से जो है वो एजुकेशन ली, एंड दैट इज़ बेसिकली योर इंस्पिरेशन कि आप भी जाना चाह रहे हैं टू अ पर्टिकुलर कंट्री एंड टू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. आप कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं कि आपने ज़िंदगी में एक एजुकेशन ली, फिर अगर आपने कोई जॉब की है, कोई इंटर्नशिप की है, क्यों की, उसका पर्पस क्या था. एक्सपीरियंस तो गेन करता ही है इंसान इंटर्नशिप के अंदर, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें भी इंसान सीखता है. मेरा मानना ये है कि इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट वॉट यू विल गेट आउट ऑफ एनी इंटर्नशिप, आउट ऑफ योर एजुकेशन, बट वॉट विल यू बिकम इन डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग. आप बन क्या चाहते हैं. सेकेंड है, थर्ड है हमारा पैराग्राफ जो हो सकता है, दैट इज़ वाई. आप इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, इसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, इसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर क्यों जाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी. देखिए, इंटरनेट पे आपको मटेरियल बहुत मिल जाएगा, इंटरनेट पे आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर भी बहुत मटेरियल मिल जाएगा. हमारी अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो आपको हम अपलोड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर भी. वहाँ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं कि अच्छा जी मैं किस तरह से लिख सकता हूँ. लेकिन लिखें, एवरीबॉडी हैज़ हिज और हर ओन स्टोरी. मेरा बैकग्राउंड, मेरी स्टोरी इज़ डिफरेंट देन योर स्टोरी. तो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि आपकी स्टोरी क्या है. जितना अच्छा आप अपनी स्टोरी के बारे में सोचेंगे, उतना ही अच्छी आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो लिखी जाएगी. आपको अपनी स्टोरी बतानी है, किसी की स्टोरी कॉपी नहीं करनी. अगर आप एक बैकग्राउंड से हैं, आप किसी विलेज बैकग्राउंड से हैं, आप अर्बन बैकग्राउंड से हैं, तो हर जगह का एक अपना बेनिफिट भी है और एक अपना ड्रॉबैक भी है. आपने डिसाइड करना है कि आप उसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं कि आप ये बता सकें कि जी मैं, लेट्स सपोज रूरल बैकग्राउंड से, आपको आप ये बता सकते हैं कि आप अपने गांव से, अपने उस एरिया से, यू आर द फर्स्ट वन जो कि अप्लाई कर रहा है, इससे पहले बहुत कम लोग हैं जो गए हैं.
Then how you plan to achieve your goal? आप अपनी जिंदगी में जो आपका गोल है उसको आप कैसे प्लान कर रहे हैं, कि किस तरह से आप उस प्लान को अचीव करेंगे? और इसके अलावा आप जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे अपना सारा जो स्टडी है, उसके बाद आप वापस आके व्हाट वैल्यू यू विल ब्रिंग इन, कि आप क्या ऐसा डिफरेंट कर सकेंगे जो कि आप अगर यहाँ से एजुकेशन आपने हासिल की अपने होम कंट्री से, तो वो नहीं आपको एज मिल सकेगा. एडेड एडवांटेज क्या होगा कि जब आप वापस आएंगे तो आप किस तरह से अपने मुल्क को, अपने गांव को, अपनी फैमिली को जो है वो एक एडवांटेज दे सकेंगे. ये वो कुछ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है उसके कुछ पैराग्राफ्स के बारे में मैंने आपको बताया है. स्टोरी आपने अपनी खुद डिफाइन करनी है. एवरीबॉडी अगेन प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, आपकी अपनी एक स्टोरी है, आप अपनी स्टोरी जो है उसको अनफोल्ड करें. आप अपनी डेस्टिनी को अनफोल्ड करते हैं, आप अपनी स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं, उसमें से आप अपनी लर्निंग निकालें कि क्या है जो मैं बता सकता हूँ. अगर आप पुअर बैकग्राउंड से हैं दैट इज़ अ स्टोरी, अगर आप रिच बैकग्राउंड से हैं दैट इज़ अ स्टोरी, अगर आपने अच्छे मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं लिए लाइफ में क्यों नहीं लिए दैट इज़ अ स्टोरी, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं दैट इज़ अ स्टोरी, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं दैट इज़ अ स्टोरी. तो ये पर्पस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है इसको क्रिस्प भी होना है और इसको बहुत ज़्यादा आपने लेंथी नहीं लेकर जाना. 2 pages आर मोर देन सफिशेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करना. कंपोनेंट्स उसके यही रहेंगे, इन्हीं कंपोनेंट्स की बेस के ऊपर यहीं से आप जो है वो अपने जो इंटरव्यू आपका किया जाएगा उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी स्टोरी में से, इसी पर्पस स्टेटमेंट में से उसके आंसर्स जो हैं वो आप निकाल सकते हैं. आपका इंटरव्यू भी होगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं टू एडमिशन फॉर एडमिशन इन एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट. मैं इस टॉपिक के ऊपर फर्दर वीडियोस जो है वो भी बनाता रहूँगा और आपके साथ ये वीडियोस जो है वो शेयर करते रहेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा. हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें, सो दैट कि आपके पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक के ऊपर और इससे रेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको डायरेक्टली मिलती रहे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.